सलीम बरियार साहब, कैसर बरियार साहब, हमारे बहुत ही प्यारे एहसन बरियार साहब, लाए बुंदली साहब, हमारे दीगर काबरीन स्टेज पे बैठे हुए लीडरान और हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, नौजवानों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। भाई आज मज़ा आ गया इधर आके, दिल को बहुत सुकून मिला, राहत मिली, और जो बातें सुनी मैंने अपने लीडर्स की, तो आखिरी मुकर्रर के लिए बड़ा मुश्किल होता है बोलना, क्योंकि सारिया गल्लां पहले ही हो गई होती हैं। हुण मैं सोच रहा हाँ कि मैं गल की करा, तो गल मैं करना चाहना कोई वड्डी, कि जो वड्डी गल करनी हो ना, तो फिर गल इको ही होती है, वो होती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल। बाकी गल्लां फिर सारिया छोटियां हो। ते जो मैं आका करीम का नाम लैना, मैं एक शख्सियत याद आती है, और याद क्यों आती है, क्योंकि मैं ओदी इस गल तो मुतासर होके ओदी पार्टी ज्वाइन की थी सी। नहीं तो मैं किसी लीडर मानता ही नहीं सा, सच्ची पुछो तो जट हाइमा ही किसी लीडर मानता ही नहीं, तो मैं भी नहीं सा मानता। तो जो उन्हें की ना गल वड्डी, तो आका करीम की गल की, नबी पाक सल्लम का नाम लिया, तो बार बार लिया, तो मैं बड़ा हैरान होया और तवज्जो दी। फिर उन्हें एक जुमला बोलिया, इयाका नअबुदु वा इयाका नस्तईन, कि या अल्लाह तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझे ही से मदद मांगता हूँ। मेरे जेन च फॉरन अमरीका भी आ गया, बरतानिया भी आ गया, पुराने लीडर भी आ गए, उन्होंने पॉलिसियां भी आ गए। मैं क्या गल को बहुत ही वड्डी नहीं कर गया, ये तो कभी किसी ने की थी। मैं मियाँ साहब के मुँह चो दे अज तक नबी पाक सल्लम का नाम नहीं सुनिया, तो पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है। फिर मैंने शेर याद आया, और किसे सुते जगाया ही तो दस खां, किसे भुखे रजाया ही तो दस खां, किसे रोंदे नू हसाया ही ते दस खां, राज रोड़ा ही हटाया ही ते दस खां, वे तू जख्मी किसे दा फट नहीं हूं सीता, ते ऐवी फेरी हूं तस्बी ते कख नहीं कीता। हे ना दे मुस्लिम लीगी, ना दे मुस्लिम लीगी, मुस्लिम लीग दे ना नू बदनाम करने वाले लोग, और अल्लाह ताला ने फिर एक्सपोज ऐसा किया कि पजे ने, फिर पजे ने ते जाके बाहर बैठे, सुप्रीम कोर्ट ने मार लाई ना कि माफिया, छोटी गल भी नहीं की, सिसिलियन माफिया। ते अल्लाह ताला ने मेरे उस लीडर नु बेचारा नु भी रोंदा सी, ओए अफगानिस्तान की जंग च ना जायो, साडी जंग नहीं, सानू बड़ा नुकसान होना जे, सारे हसदे सन, कल्ला ही बोली जांदा। अज भी ओदा मौकफ साडे सामने साबित होया, अमरीका भी मन्निया कि उस जंग च नहीं जाना चाहिदा सी, लेकिन हुण 70,000 बंदा असी गवाया अपनी उस जंग दी वजह तो, अपनी उस गलतियां दी वजह तो जिहड़े साडे साबिक हुक्मरान अज तक कर रहे ने। ऐ हुंदा जे लीडर ਜਿਹੜਾ ਕੰਧੋਂ ਪਾਰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੌਕਫ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ। ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਾਂਦਾ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਨਵਾਜ਼ ਗੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਆਵਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਲਾ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ बुनियाद जी सानू नजर नहीं आती जो बुनियाद कमजोर हो बुनियाद दुरुस्त करनी पैंदी है पहले 5 साल मेरी गल मान जाओ कि इकोनमी की बुनियाद दुरुस्त करते सन जो रुपए डीवैल्यू किया गया तो थोड़ी जी महंगाई साढ़े सामने आई ये कोई शक नहीं लेकिन मईशत अल्लाह के फसलों करने लैंड से चढ़ गई है पटड़ी से चढ़ गई है सारा करंट अकाउंट डेफिसिट थले आ गया और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की वजह तो लोग गोडे टेक गए हैं लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी भी उत्ते जा रही है और अरबा डॉलर रेमिटेंसेस पाकिस्तान के इस वक्त आ रही हैं सिर्फ इस विजनरी लीडर के वास्ते। आखिरी दो गल करके मैं तुहाडे कोल इजाजत लांगा और इख्तिताम मैं करना है जिथों गल शुरू की गई जिथों ना छे मजा तो फिर आएगा ना साड़ी इस पाक में मैनू एक मुंडे की गल इन्नी प्यारी लगी इन्हें क्या असी क्यों उन्हां दी गल्लां करिए असी अपनी पाक महफल नाल खराब क्यों करे किस लिए गल कर है नी असी सच्चिया सच्चिया गल कोई गल नहीं जो होना सी हो गया उन्हें आख्या सी लुटन वाले रज रज लुटिया है लुटन वाले रज रज लुटिया है सोए तुसी भी हो ते सोए असी नहीं हाँ ते लाली अखां दी पई दस दी है रोए तुसी भी हो ते रोए असी नहीं हाँ है असी 72 साल रोना वेख्या असी वेख्या किस तरह पाकिस्तान दे विच अनफॉर्चुनेटली जिहड़ी इकोनॉमी दी डाइव सी बुरे हालात सन लेकिन मेरे अल्लाह ने चाहिया ते ए टेक ऑफ कर गया। आखिरी गल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल करनी सी ओह है कि सियाणे बणे हो जिहने डार गल कर गया ना करारी गल कर गया उहने कहा सियाणे बणे हो क्योंकि इस वक्त हुकूमत दे तरीके इंसाफ सियाणा वोटर वो हुंदा है जिहड़ा सब तो पहला अपने बच्चों वास्ते सियाणा करे लीडरशिप सारे बाद चो हुंदे ने अपने अगे सब तो पहला अपनी औलाद रख के फैसला करना तुसी तो वोटर्स भी हो सपोर्टर्स भी हो ते तुसा गल लोकां नाल जाके करनी है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत है ते अल्लाह ने तुहानू बड़ा वड्डा मौका दिता है और ये दूजी गल जिहड़ी उहने कीती सी मैं फिर इंडोर्स करांगा ਇਹ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਡਾਰ 100% ਪੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 1 ਅਰਬ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 5 ਅਰਬ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਸਕੂਲਸ ਬਣਵਾਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਵਾਓ ਕਾਲਜਿਸ ਬਣਵਾਓ 5-7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਮ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਦੀਗਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਬਰਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਵੇ ਦੁਆ ਕਰੋ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا پاک پروردگار عالم हम तेरी ज़मीन पे तेरे आजिज गुनाहगार बंदे तेरे सामने हाथ उठा कर तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमारी सुन ले इस हलके की सुन ले इस मुल्क की सुन ले इस खत्ते की सुन ले उम्मत मुस्लिमा की सुन ले पूरी दुनिया को एक
खूबसूरत और पीसफुल जगह बना दे हमारे रहने के लिए। या परवरदिगार आलम, हम जिस लीडर के पीछे लगे हैं उसको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे मालिक को आपका नाम लेता है, आपके महबूब का नाम लेता है, मदीने की रियासत की बात करता है। या अल्लाह उसके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दे और हमें उसका साथ देने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम टूटी फूटी कोशिशें जो कर रहे हैं, जो आज इतना खूबसूरत इकट्ठ मुनव्वर साहब ने करवाया है, या परवरदिगार आलम जो मुनव्वर साहब की बरकत अता फरमा इनके कामों में, इनको मुबारकबाद हम पेश करते हैं और इनको मजीद इसमें मोहब्बत और मेहनत के साथ। जितने लोग यहाँ मौजूद है, ज्यादा इनके घर के मसाइल को हल करवा, बेशक आप मसाइल को हल फरमाने वाले, रहमत खास फरमा दे। आमीन सुमा दे। और इलेक्शन के अंदर हमें अनप्रेसिडेंटेड कामयाबी अता फरमा दे मेरे मालिक। आमीन सुमा दे। अकमल साहब को मैं अकमल भाई, मुझे पता नहीं था आप मौजूद हैं। अकमल भाई हमारे बहुत ही प्यारे यहाँ पे जिली नाजम भी रह चुके हैं, हमारे एमपीए भी रह चुके हैं, दो मंडी नाज शरीफ, बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने खसूसी फरमाइश की है। मैं नाज शरीफ, आप आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो समझते हैं बोलियां सब की, वो ही भरते हैं झोलियां सब की। सुभान अल्लाह। तो आओ बाजारे मुस्तफा को चले, सुभान अल्लाह, खोटे सिक्के जहां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये करम है हुजूर का वरना, सुभान अल्लाह, खोटे सिक्के कहां, सुभान अल्लाह, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, कि हमने खुद को गिरा लिया है गिरने वाले जहां संभलते हैं, और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल की टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, मिलके कल की टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। साथियों आओ सब मदीने चले, खोटे सिक्के वहीं